कि पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको पिछले जितने भी वीडियो देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आप हमारा पिछले वीडियो आप देख सकते हो, चैनल बंधु सर बायो क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो ये आज जो है हमारा चल रहा है, आज मानव के बारे में आएंगी कि मानव का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन के बारे में हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि इसमें जो है एक सिस्टम्स होती हैं, उसका नाम रखा गया मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ह्यूमन इज है ना यूनिसेक्सुअल्स, यानी यूनिसेक्सुअल्स का मतलब क्या होता है कि एकलिंगी। एकलिंगी का अर्थ आप ध्यान से देखो, एकलिंगी का अर्थ होता है आपका सबसे पहले कि मेल और फीमेल आर सेपरेटेड, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा अलग अलग होंगे तो सिस्टम भी अलग अलग होगी, श्योर है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटेड होगा, और सेपरेटेड होगा तो एक उसमें से एक टॉपिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो है आपका है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वह क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, सेकेंड्स है ना स्क्रोटम, स्क्रोटम थर्ड नंबर एपीडाइडीमस, चौथा वाश डिफरेंस, फाइव नंबर्स हैं आपके सेमिनल वेसिकल, वेसिकल सिक्स नंबर्स हो गए प्रोस्टेट, स्टेट एंड सेवन नंबर्स हो गए है ना पेनिस। इतने मिलकर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं बने हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइडीमस, वाश डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट्स एंड पेनिस। इसको हिंदी में वृषण, वृषण कोष है ना, एपिडाइडीमस, डीमस, वाश डिफरेंस को शुक्रवाहिनी, वाहिनी, सेमिनल वेसिकल्स को शुक्राशय, प्रोस्टेट को प्रोस्टेट और पेनिस को पेनिस, ठीक ना। तो ये जो है आपके टोटल्स इतने होते हैं। तो आप देख क्या सकते हो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वृषण, वृषण कोष, एपिडाइडीमस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट और पेनिस से मिलकर बने होते हैं। तो इतना जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब इसकी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए विथ फिगर, फिगर के साथ इसका जो है डिस्क्राइब किया जाए। तो सबसे पहले फिगर आप ध्यान से देखो,
टेस्टिस, टेस्टिस हो गए आप, टेस्टिस के बाद ये आपका स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम के बाद ये आपका एपिडाइडीमस हो गए, वास डिफरेंस हो गए, सेमिनल वेसिकल, ये यूरिनरी ब्लाडर, ये जो हैं यूरेथेरा, ये जो जहाँ ज्वाइंट्स हो रहे हैं इसका नाम है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एंड टेस्टिस। ये जो हैं रिप्रोडक्टिव यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्राइब करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइडीमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ना एंड पेनिस। अब हम इसके बारे में एक एक पॉइंट को देखा जाए तो टेस्टिस बता रहे हैं, टेस्टिस, व्हाट इज द टेस्टिस, टेस्टिस द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मेल, मेल में यह सबसे जो है मेन रिप्रोडक्टिव माने मुख्य रूप से यही टेस्टिस जो है मेन जो है ऑर्गन्स होता है। इट इज ओवल लाइक स्ट्रक्चर, द साइज ऑफ टेस्टिस इज 5 सेंटीमीटर्स ना लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर्स थिक। यह जो है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है। टेस्टिस ठीक ना जो होते हैं इसकी वेट जो अगर देखा जाए तो द वेट ऑफ द टेस्टिस इज 10 to 15 grams ना 10 से 15 ग्राम के होते हैं। इसकी लेंथ जो होती है मैंने बताया ना कि 5 सेंटीमीटर्स लेंथ होता है और 2.5 सेंटीमीटर्स जो है ब्रॉड होता है। एंड इच टेस्टिस ना इज कवर्ड बाई ए ना मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टूनिका, टूनिका वेजेलिस, एंड टूनिका वेजेलिस ना इन साइड ऑफ द टूनिका वेजेलिस इज प्रेजेंट टूनिका एल्बुमिनस, एंड टूनिका एल्बुमिनस ना इन साइड ऑफ द टूनिका एल्बुमिनस प्रेजेंट सेमिनल फेरस ट्यूबल्स। ये बहुत सारे, ये देखो सबसे बाहर वाले जो आवरण होता है उसको हम टूनिका वेजेलिस, इसके अंदर वाले भाग को टूनिका एल्बुमिनस, और इसके अंदर वाले जो भाग होता है बहुत सारे ऐसे जो है ना ट्यूबल्स के बने होते हैं जिसका नाम है सेमिनल ट्यूबल्स। यही जो है स्पर्म का फार्म करते हैं और स्पर्म का फार्म करने के बाद ये स्क्रीन डक्ट में जाते हैं तो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ये जो है अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का ये जो है फिगर है, टेस्टिस का ये वृषण का फिगर है, वृषण का यह फिगर होता है। अब हम आते हैं है ना कि टेस्टिस जो होता है व्हाट इज द टेस्टिस, तो टेस्टिस में थोड़ा सा देखा जाए टेस्टिस मेन ऑर्गन्स है और टेस्टिस कवर्ड ए है ना थिक स्किन्स इज कॉल्ड ना स्क्रोटम। इसके ऊपर एक अलग सा एक जो है मोटा सा आवरण जो है घिरा रहता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। तो ये स्क्रोटम इसको जो है प्रोटेक्ट करता है, स्क्रोटम इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। अब हम आते हैं कि टेस्टिस है ना जॉइंटेड विद द एपिडाइडीमस, एपिडाइडीमस है ना इज है ना नियर अबाउट 66 मीटर्स लॉन्ग, यह लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है एंड क्वाइल शेप्ड, योर क्वाइल शेप्ड का होता है और क्वाइल शेप्ड के होने के कारण है ना यह जो है राउंड शेप्स के होते हैं एंड देन ज्वाइंट विद द वाश डिफरेंस, और यह वाश डिफरेंस के है ना यह जुड़ा होता है। तो वाश डिफरेंस से ये जुड़ा होता है और द लेंथ ऑफ वाश डिफरेंस इज है ना 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और इसका जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी है यह इसका है ना क्या होता है, यह जो है एक जो है 45 सेंटीमीटर्स जो है लॉन्ग जो है यह लंबी नली होती है जो एक
छोर पर मतलब एक किनारे पर द साइड ऑफ द वाच डिफरेंस प्रेजेंट सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं या जो है प्रेजेंट होता है, और सेमिनल वेसिकल्स के आगे जो है वाच डिफरेंस ठीक ना आकर यूरेथेरा से ज्वाइंट्स हो जाते हैं। तो यूरेथेरा से जो ज्वाइंट होता है उस भाग को हम बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट। आ प्रोस्टेट ओपन इन द पेनिस। बट थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 3 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस ना देन ना बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के अपेक्षा है ना इनमें 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन ना बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से तो कई बार क्वेश्चन आए हैं कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है, तो हमेशा होता है। अब आते हैं टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टेस्टिस इज प्रेजेंट आउट ऑफ एब्डोमेन पार्ट्स बिटवीन टू लंग्स, यानी दोनों लंग्स के बीच में और बॉडी एब्डोमेन पार्ट्स के बाहर जो हैं या जो हैं एक जो है गोल राउंड शेप का होता है। तो ये जो हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए। तो थोड़ा सा अब देखो कि अब एक बार पूरा देख लिया जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस एपिडिडीमस स्क्रोटम्स वाच डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट एंड पेनिस। टेस्टिस इज द यू नो मेन ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव है ना। टेस्टिस इज द राउंड शेप्ड, द लेंथ ऑफ द टेस्टिस इज 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, द वेट ऑफ द टेस्टिस इज 10 to 15 grams एंड टेस्टिस इज द लाई यू नो आउट ऑफ एब्डोमिनल पार्ट्स बिटवीन लंग बिटवीन टू लेग्स एंड कवर विथ द एक थिक स्किन्स इज कॉल्ड स्क्रोटम्स, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज लेस 3 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर्स एंड देन टेस्टिस इज यू नो ज्वाइंटेड विद द यू नो एपिडिडीमस यू नो इज क्वाइल शेप्ड एंड देन यू नो इट इज फर्दर एपिडिडीमस जॉइंटेड विद द वाच डिफरेंस, वाच डिफरेंस इज 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग्स देन यू नो देन अटैच विद द सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड देन फर्दर वाच डिफरेंस जॉइंटेड विथ द यूरेथेरा टू फॉर्म प्रोस्टेट्स एंड प्रोस्टेट्स यू नो ओपन प्रोस्टेट्स ओपन इन ए ट्यूब इज कॉल्ड यू नो पेनिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस या डिसेक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो जब हम डिसेक्शन करते हैं तो टेस्टिस इज ए कवर्ड बाई ए कवर इज कॉल्ड द टूनिका वेजाइलस एंड इन साइड ऑफ द टूनिका वेजाइलस ना प्रेजेंट टूनिका एल्बुइना एंड सेमिनल फेस ट्यूबल्स यू ना कवर विद द यू ना टूनिका एल्बुइनस और सेमिनल फेस ट्यूबल्स टू फॉर्म यू ना स्पर्म इन द टेस्टिस एंड स्टोर इन द एपिडिडीमस, और ये स्टोर हो जाता है किसमें? एपिडिडीमस में। यानी अब देखा जाए तो नर जनन तंत्र है ना किससे मिलकर बने हैं, तो विषण में विषण से ठीक ना विषण से विषण के बाद एपिडिडीमस से वाच डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट से मिलकर बना होता है। यह गोल के आकार का रचना होती है और यह हमारे शरीर से बाहर दोनों जो हैं लेग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसका जो है लंबाई 5 से 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 15 ग्राम का ये होता है और यह जो है एक जो है मोटी स्किन द्वारा घिरा रहता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। इसकी टेम्परेचर जो है 3 डिग्री सेल्सियस होती है, बॉडी टेम्परेचर से जो है कम जो है 3 डिग्री सेल्सियस होती है और ये आगे की ओर जो है क्वाइल शेप्ड के जिनकी लंबाई 6 मीटर लगभग होती है एपिडिडीमस में खुलता है और एपिडिडीमस जो होते हैं वह जो है ना किसमें खुलते हैं? वाच डिफरेंस में खुलते हैं जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर होती है और वाच डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी के इधर ना एक और जो है शुक्राशय होता है जो सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं और फिर शुक्रवाहिनी आगे की ओर एक यूरेथेरा के साथ जुड़ जाता है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं और प्रोस्टेट आगे की ओर एक लंबा सा नली में खुलता है जिसे हम पेनिस कहते हैं। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्क्राइब हुआ। इसके बाद इसका फंक्शंस क्या है, इसकी कौन कौन से पार्ट्स कौन सा वर्क काम करता है, तो कल इस पर हम जो है आपको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।